व्यूअर्स, बाबा कल्याणी जो भारत फोर्ज के या कल्याणी ग्रुप के सर्वे सर्वा है, उनका और उनकी बहन सुगंधा हीरेमठ व सुगंधा हीरेमठ के बच्चों का जो मामला है, खासकर फैमिली वेल्थ उसका पार्टीशन को लेकर, मुंबई में सुगंधा हीरेमठ ने पहले ही फाइल करके रखा हुआ है और यहाँ पुणे के ये जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट है यहाँ पर सुगंधा हीरेमठ के बच्चों ने यानी समीर और पल्लवी ने ये दावा फाइल करके रखा हुआ है, ये केस फाइल करके रखा हुआ है। और उसमें उनका कहना है कि ये जो प्रॉपर्टी है पूरी कल्याणी ग्रुप में, ये प्रॉपर्टी जो है ये HUF की है, यानी ये परिवार की है। और इस परिवार के जो कर्ता थे वो पहले अनप्पा कल्याणी थे, उसके बाद में डॉक्टर नीलकंठ कल्याणी, उनसे फिर बाबा कल्याणी आए और बाबा कल्याणी से इनकी माँ ने, इनकी माता जी ने यानी सुगंधा हीरेमठ ने मुंबई में केस फाइल किया हुआ है और इन दोनों ने यहाँ पुणे में फाइल किया हुआ है। ये चीज तो मीडिया में पिछले एक हफ्ते में, अखबारों में, डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में काफी जगह ये चीजें आई, राष्ट्रीय अखबारों में भी छपी, लेकिन एज अ पुणेकर न्यूज हमने इस चीज को तह में जाकर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि इसमें न्यूज क्या है। जब हमने इसको चेक किया तो एक इसमें बड़ी न्यूज मिली और वो ये है कि इस केस में बाबा कल्याणी के वकील ने ये कहा है कोर्ट में कि बाबा के दादाजी यानी अनप्पा कल्याणी, वे बहुत गरीब थे। 1954 में उन्होंने केवल 2 लाख रुपए अपने परिवार को दिए और उस समय उनकी तनख्वाह, मतलब मरने के पहले, उनके डेथ के पहले, मृत्यु के पहले उनकी तनख्वाह जो है 2 रुपए थी। तो ये समझ नहीं आता कि अगर किसी की तनख्वाह 2 रुपए प्रति महीना है तो वो व्यक्ति 2 लाख रुपए अपने परिवार को कैसे देगा अगर वाकई में वो गरीब हुआ तो। तो एक तो यहां पर टेक्निकली कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ाया हुआ लगता है। इसी के साथ सुगंधा हीरेमठ के जो बच्चे हैं पल्लवी और समीर, वो कहते हैं कि बाबा कल्याणी या सुगंधा हीरेमठ के जो पिता है यानी डॉक्टर नीलकंठ कल्याणी, इनकी जो किताब है फोर्जिंग अहेड, उसमें ये कहा हुआ है कि उनके दादाजी यानी अनप्पा कल्याणी ने अपने मृत्यु के बाद अपने परिवार के लिए जो पैसे छोड़े, जो वेल्थ छोड़ी, वो 20 लाख रुपए थे। व्यूअर्स, हम 20 लाख नहीं, हम 2 लाख रुपए पकड़ते 1954 में, और उस समय के अगर आप नॉर्मल बैंक के इंटरेस्ट रेट अगर 7% भी अगर आप पकड़ते हैं तो भी वो पैसा आज 2024 में करोड़ों रुपए होता है। तो अगर उसकी वैल्यू करोड़ों रुपए है तो बाबा कल्याणी कैसे कह रहे हैं कि उनके दादाजी जो है वो गरीब थे। ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में कहा गया ये, तो यहां सवाल बनता है, हम कल्याणी ग्रुप से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया, क्या वाकई में ऐसा लिखित में कहा गया है, इसके पीछे क्या रीजन है। सवाल यही है जो पुणेकर न्यूज जानना चाहता है कि हम उस राज्य में रह रहे हैं जहां के मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना चला रहे हैं, लेकिन इस घर में जो इतना बड़ा परिवार है, इतना इतना जाना माना परिवार है, बाबा कल्याणी खुद पद्मश्री रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के जो कमेटीज होती है उस पर हैं आप, तो आप अगर अपने दादाजी को गरीब कह रहे हैं कि वो तो केवल 2 रुपए कमा रहे हैं, तो उस केस में उनके पास फिर वही 2 लाख रुपए कैसे बचते हैं मृत्यु के समय। तो ये आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं और जिस राज्य के मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना चला रहे हैं यहां पर परिवार के बीच में लाड़ प्यार कुछ कम लग रहा है। और इसीलिए कोर्ट में सुगंधा हीरेमठ के बच्चों ने मीडिएशन फाइल किया और जज ने ये मीडिएशन एक्सेप्ट कर लिया है। बाबा कल्याणी के वकीलों ने या कल्याणी फैमिली के वकीलों ने इसमें कहा है कि चूंकि उन्होंने मीडिएशन फाइल किया, इससे क्लियर साफ जाहिर होता है कि ये उनका जो केस है वो सही नहीं है, वो इसके असली हकदार नहीं है। जबकि सुगंधा हीरेमठ के जो बच्चे हैं, बेटा और बेटी, वो मानते हैं कि वो इस केस में ये HUF है, फैमिली वेल्थ है, जिसमें पहले अनप्पा कल्याणी करता थे, फिर डॉक्टर नीलकंठ कल्याणी करता हुए, फिर बाबा कल्याणी करता हुए, और जब बाबा कल्याणी हुए तो उनकी माँ ने, सुगंधा हीरेमठ ने मुंबई में केस फाइल किया हुआ, इन्होंने यहाँ फाइल किया हुआ है, एंड एज पर लॉज उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए। लीगली इसमें क्या सही है क्या नहीं, ये तो न्याय के देवता यहाँ पे डिसाइड करेंगे, कोर्ट में मामला है और जो कोर्ट कहेगा हम भी वो आके प्रस्तुत कर देंगे रिपोर्ट में। लेकिन इंसानियत के तराजू पर, मनुष्यता के जो उसूल है उस पर, भाई बहन के रिश्तों में अगर बहन को उसका इंसाफ नहीं मिल रहा है तो मुझे लगता है ये घर का मामला है। बात करके अगर कोर्ट की मदद लेनी, कोर्ट की मदद लीजिए, लेकिन
अगर आप एक समृद्ध परिवार से हैं, अगर आपका एक बड़ा नाम है देश में, लोग आपको एज ए मेंटोर दिखते हैं, तो जो स्टेटमेंट से खासकर कि वो गरीब थे, 2 रुपए महीना कमा रहे थे लेकिन फिर भी 2 लाख रुपए दे दिए, ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग है, इस तरीके की बातें वकीलों ने नहीं कहनी चाहिए। इसमें हमारी नजर बनी रहेगी इस उम्मीद के साथ कि सुगंधा हिरेमठ के बच्चों को यानी समीर और पल्लवी को इंसाफ मिलेगा, बाबा कल्याणी इसमें अपने परिवार के साथ न्याय करेंगे और कल्याणी फैमिली का मामला हंसी खुशी के साथ शांति से सॉल्व होगा। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। कल्याणी फैमिली का कोई स्टेटमेंट आता है तो वो भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, अगर वो आके इंटरव्यू देते हैं तो वो भी हमारे व्यूवर्स को हम दिखाएंगे, लेकिन सच सबके सामने लाकर रहेंगे। पुणेकर न्यूज के लिए टीकम शेखावत, मुबारक अंसारी।